जिला परिषद की 16 ओबीसी सीटों और 31 पंचायत समिति सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद वैध व फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 5 अक्टूबर इन सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिए केवल एक सप्ताह का समय ही मिला है, इसलिए अपने सर्कल में उन्हें दिन रात जोर लगाना पड़ेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मुख्य पार्टियों के प्रचार 2 से 3 दिनों से शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन अब यह और जोर पकड़ेगा। नामांकन वापसी के बाद अब 16 जिला परिषद सीटों में कुल 79 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। पहले 100 ने पर्चा दाखिल किया था, जिनमें से 21 ने नाम वापस ले लिए हैं। वहीं पंचायत समिति की 31 सीटों के लिए 154 पर्चे दाखिल किए गए थे, उनमें से 29 ने नाम वापस ले लिए हैं। पंचायत समिति की सीटों के लिए 125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। जिला परिषद की सीटों के लिए भरे गए नामांकन से 3 अवैध और पंचायत समिति के 4 नामांकन अवैध होने की जानकारी मिली है। इस उपचुनाव में जिले के 6,16,016 मतदान अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए कुल 1,115 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 183 ग्रामीण और 252 केंद्र शहर से सटे इलाकों में है। नरखेड़ तहसील के सावरगांव और भशनूर 2 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। काटोल के येनवा और पारट सिंगा सीटों पर 8 उम्मीदवार, सावनेर की वाकोड़ी और केलवत सीटों के लिए 5, पारशिवनी की कारमभाट सीट के लिए 4, रामटेक की बोथिया पालोरा के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मौदा के अरोली में 7, कामठी गुमथला और वडोदा के लिए 9, नागपुर ग्रामीण में गोदनी रेलवे में 3, हिंगना के नीलडो डिगडो और डिगडो इसासनी सीट के लिए 16, कुही के राजोला सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके बीच मुकाबला होगा। मुख्य पार्टियों के अमूमन उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के ही है।